नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुपौल दौरे पर आए बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने एक थानेदार की क्लास लगा दी। हुआ कुछ यूं कि बिहार सरकार के मंत्री जब सुपौल जिले में पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों ने मंत्री जी से अपनी समस्याओं को रूबरू करवाया। इसी दौरान सुपौल के वीरपुर से बड़ी तादाद में किसान भी अपनी फरियाद लेकर मंत्री जी के पास पहुंचे, जहां किसानों ने मंत्री जी से वहां की प्रशासन की तरफ से की जा रही मनमानियों को लेकर ही शिकायत कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस की तरफ से परेशान किसानों ने आगे ये भी कहा कि स्थानीय पुलिस उन्हें इस बात को लेकर परेशान करती है कि उन्होंने अपनी खेत से बालू कैसे निकाला। दरअसल त्रासदी के बाद वीरपुर के किसानों के खेत में बालू जमा हो गया था। कुसहा त्रासदी का आलम यह रहा कि किसानों के खेतों में 5 से 6 फीट तक बालू इकट्ठा हो गया, जिसके कारण उस खेत में खेती करना नामुमकिन था। यही कारण है कि किसानों ने अपने खेत से बालू को हटाने की प्रक्रिया शुरू की, साथ ही खेत से हटाए जाने वाले बालुओं को किसानों ने बेचना शुरू कर दिया। इसी को देखते हुए पुलिस वालों ने मनमानी के तहत वसूली करने के लिए ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया। फिर क्या था, किसानों की शिकायत सुन तुरंत एक्शन में आए मंत्री नीरज कुमार ने वीरपुर थानाध्यक्ष दीनानाथ मंडल से जवाब की मांग की। इतना ही नहीं, थानाध्यक्ष को पास बिठाकर मंत्री जी ने साफ कहा कि गलत हमेशा गलत ही होगा, चाहे वो गलती किसी ने भी की हो। अगर आम नागरिक की जगह आपकी गलती है तो आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में इस मामले पर पुलिस ने भी अपनी दलील पेश की। पुलिस की यह दलील है कि खनन विभाग अब तक यही निर्देश देती आई है कि 3 फीट से ज्यादा अगर कटाई की गई तो यह नियम के खिलाफ होगा। हालांकि यह नियम सरकारी जमीन के लिए लागू है। बालू खनन को लेकर बीते कई दिनों से पुलिस वालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में खनन विभाग के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन मंत्री नीरज कुमार ने किसानों का पक्ष लिया और साफ कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी कैसे किसी किसान को अपने ही खेत से बालू निकालने के लिए रोक सकता है। नीरज बबलू की माने तो त्रासदी के बाद से ही खेतों में बालू निकालने को लेकर सरकार ने नीति बनाई थी, क्योंकि बालू जमा होने के कारण खेती करना मुश्किल है। यानी कि साफ है कि पुलिसकर्मियों के जवाब और उनके एक्शन से मंत्री जी संतुष्ट नहीं दिखे। मंत्री जी ने साफ पूछा कि पुलिस यह बताए कि थाने में बैठे दलाल किसानों से किस नदी से बालू निकालने के जुर्म में उनसे वसूली कर रहे हैं। यह किसी के अधिकार में नहीं है कि कोई अपने खेत से क्या निकाल रहा है क्या नहीं, इस बात को तय करे। हालांकि पुलिस ने इस दौरान बार बार खनन विभाग का हवाला दिया, लेकिन मंत्री जी माने नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस को अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है। ये किसी भी लेटर में नहीं लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खेत से बालू निकालेगा या नहीं। यह किसान का राइट है, किसान चाहे बालू फेंके या बेचे, यह उनकी मर्जी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ किया था कि त्रासदी के कारण अगर बालू खेतों में जमा होती है तो ऐसे बालू को सरकार अपने खर्चे पर खेतों से बाहर निकालेगी, लेकिन अगर इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई कर रही है तो यह गलत है, जिसके तहत अब किसी भी प्राइवेट जमीन से खनन करने के जुर्म में किसानों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही किसी ट्रैक्टर को बेवजह पकड़ा जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।